नमस्कार दोस्तों, संध्या वेज किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस सब्जी को मैंने किस तरीके से बनाया है, तो आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए, हमने 3 कलर की शिमला मिर्च ले ली है। तो एक हमने पीली ली है और एक लाल, और ये हरी वाली हमने छोटी छोटी दो ली है। तो आज हम इसी की सब्जी बनाएंगे। तो चलिए हम पहले इसे काट लेते हैं। तो पहले हमने इसे अच्छी तरीके से धो लिया है और अब हम इसे काटेंगे। तो इसे काटने के लिए हमने एक बड़ी इस तरीके से थाली ले ली है। तो अब इसे हमें काटना है। तो इधर का पार्ट हमें पहले काट देना है। ये, और अब इसके हम इस तरीके से लंबे लंबे पीसेस में से हम काट लेंगे। तो आप पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको लंबे नहीं काटने हैं तो आप गोल भी काट सकते हैं। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि किस तरीके से काट सकते हैं। तो हम पहले इसका काट ले रहे हैं और इसे हमें फेंक देना है। और अब इसे हम काटेंगे। तो इस तरीके से हम पहले काट लेंगे और इसका जो ये बीज है इधर का, ये हम हटा देंगे। क्योंकि शिमला मिर्च आप कोई भी बनाइए, बीज हटा दीजिएगा, क्योंकि बीज अच्छे नहीं लगते हैं इसके। और अब इस तरीके से हमें पहले काट लेना है और अब इस तरीके से हमें इसके पीसेस काटने हैं। तो इसी तरीके से सारी शिमला मिर्च को हम पहले काट लेते हैं। तो ये देखिए, हमारी तीनों प्रकार की शिमला मिर्च कट करके तैयार हो गई है और कितनी प्यारी लग रही है ना, बिल्कुल कलरफुल। तो चलिए हम इसे बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमें गैस को चालू कर लेना है। ये देखिए, गैस हमने चालू कर लिया है और अब इसमें रख देंगे कढ़ाई। तो हमने इसमें 1 चम्मच तेल डाला है, सरसों का तेल है। तो इसमें तेल कम ही लगता है क्योंकि हम आलू नहीं डाल रहे हैं, और अगर आपको आलू डालना है तो फिर तेल ज़्यादा डाल सकते हैं। तो जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें डाल देना है जीरा, और जीरा को थोड़ा सा चटकने देना है। और अब इसमें डाल देंगे लहसुन और हरी मिर्च। तो हमने 5-6 लहसुन की कर लिया और 3 हरी मिर्च ली है, वो डाल दें। तो हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। और अब इसमें डाल देंगे 1 बड़ी कटी हुई प्याज, और इसे भी थोड़ा सा इस तरीके से पका लें। अब आपको इस स्टेज पे डाल देना है धनिया पाउडर। से 1 बड़ा चम्मच हमने धनिया पाउडर लिया, वो डाल दें और इसे भी थोड़ा सा इस तरीके से चला लें। और गैस को मंदी कर देना है, नहीं तो आप सूखे मसाले जब डालते हैं तो जलने का ज़्यादा डर रहता है, इसलिए 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम है हल्दी पाउडर। मिक्स करेंगे और अब डाल देना है कटी हुई और धुली हुई शिमला मिर्च। और इसे भी हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो बहुत ही टेस्टी सब्जी बन करके तैयार होती है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो अब इसमें हम इस तरीके से ढक्कन लगा करके और इसे छोड़ देते हैं। अब इसे खोल करके एक बार चला लेते हैं। इसे हमें इस तरीके से एक बार चला लेना है। एक बारीक कटा हुआ टमाटर, तो बड़ा टमाटर था हमारा तो हमने एक ही डाला है। नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे, मिक्स करेंगे। फिर से हम इसमें ढक्कन लगाएंगे और गैस को हमने धीमे ही रखा है, तेज नहीं करा है, और इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो इसे हम फिर से खोल करके और चला लेते हैं। तो इससे पहले हमने इसे 2 बार चलाया है खोल खोल करके। तो ये देखिए, इस तरीके से
ये सब्जी हो गई है। तो अब इसमें हमें डाल देना है गरम मसाला। तो हम आधा चम्मच गरम मसाला इसमें डाल रहे हैं। तो ये होममेड गरम मसाला है, इसको हमने घर में ही बनाया है और इसकी रेसिपी है मेरे चैनल पे, तो आप चेक कर सकते हैं कि ये गरम मसाला किस तरीके से बनाया जाता है। और बहुत ही खुशबूदार होता है और बहुत बढ़िया रहता है। और अगर आप घर में गरम मसाला बनाते हैं तो बहुत दिनों तक ये चल जाता है। तो मैं अक्सर घर में ही बनाती हूँ गरम मसाला। तो अब इसे हम फिर से ढक देंगे और 2-3 मिनट इसे पकने देंगे, क्योंकि गरम मसाला डालने के बाद हमें 2-3 मिनट इसे पकाना है। तो इसे पकते हुए 2-3 मिनट फिर से हो गए हैं, तो फिर से ढक्कन हटाएंगे और इसे चला लेंगे। तो ये हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। शिमला मिर्च को ज़्यादा नहीं पकाया जाता है, इतना ही पकाते हैं। तो अब हम गैस को बंद कर देते हैं और अब इसमें डाल देंगे कटी हुई धनिया पत्ती। और ये शिमला मिर्च की सब्जी बनकर के तैयार हो गई है बिल्कुल खाने के लिए। तो इसे आप पूरी, पराठे, रोटी या नान के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी सब्जी लगती है। तो इसे आप शिमला मिर्च फ्राई भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस सब्जी बनकर के तैयार है। बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि मैं जो भी नए नए रेसिपी के वीडियो लेकर के आती हूँ आपको सबसे पहले मिले।